श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि हम अपने बच्चे को छोटा सा कलर टीका लगाते हैं, यहाँ पे पाँव में भी लगाते हैं, पाँव के नीचे, तो उसका वैज्ञानिक वजह क्या है। अक्सर देखा जाता है कि छोटे बच्चों को काला टीका लगाया जाता है। टीका लगाने के बारे में जानकारों का कहना है कि टीका बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए लगाया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि पूजा पाठ में कभी भी काले रंग के कपड़े या किसी काली वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। बच्चे पर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा अर्थात किसी की बुरी नज़र नहीं लगे, इसलिए काला टीका या काला धागा माना जाता है। आजकल आप देखते होंगे लड़कियाँ अपने पाँव में भी काला धागा बांध लेती। तो बच्चों का काला टीका लगाने के कुछ वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि काली वस्तु हर प्रकार के विकिरण अवशोषित करने की क्षमता रखती है। काला टीका लगाने की वजह से बच्चों के शरीर पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव की संभावना खत्म हो जाती है। यही वजह है कि बच्चों को काला टीका लगाया जाता है। वहीं काला रंग बच्चों को देखने वाली की एकाग्रता को भी भंग कर देता है। यही कारण है कि नई कार या नए घर को नज़र से बचाने के लिए काले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल में कई वैज्ञानिक कारण हैं तो वहीं धार्मिक कारण भी जुड़ा हुआ है। छोटे बच्चों का बुरी नज़र से बचने के और भी कई उपाय बताए जाते हैं। जानकारों का कहना है कि छोटे बच्चे देखने बहुत सुंदर होते हैं, सारे बच्चे सुंदर होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नज़र लग जाती है और नज़र लगने की वजह से अचानक बुखार आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चा खाना पीना बंद कर देता है, दूध पीना बंद कर देता है। तो ज्योतिषियों का कहना है कि बच्चों को नज़र लगने से बचाने के लिए काले टीके और काले धागे के अलावा और भी कई उपाय अपनाए जाते हैं। जैसे कि अगर छोटे बच्चे को नज़र लग जाती है तो बच्चे का बचा हुआ खाना किसी कुत्ते को खिला दें, ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से बच्चे को नज़र नहीं लगेगी। तो धन्यवाद, और आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।